जबलपुर के सदर मेन रोड स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप में देर रात बदमाशों ने बमबाजी की घटना को अंजाम देते हुए पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। घटना का अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पेट्रोल पंप संचालक द्वारा मामले की सूचना कैंट थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अज्ञात बदमाशों की पतासाजी में जुट गई है। संस्कारधानी जबलपुर में इन दिनों शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद है। आरोपी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती देर रात बदमाशों ने सदर मेन रोड पर स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप में बम फेंककर बमबाजी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं बमबाजी की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। पेट्रोल पंप संचालक ने मामले की सूचना कैंट थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कैंट थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि जायसवाल पेट्रोल पंप में बमबाजी की घटना हुई है। रात को 8:30-9 बजे की घटना है। कोई अज्ञात व्यक्ति ने जायसवाल पेट्रोल पंप के पास में एक दूर से उसको ये जो अपना दिवाली का बम होता है वो फेंक के किया। इसके संबंध में थाना कैंट में अपराध क्रमांक 8 धारा 3-4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और आसपास के जो भी कैमरे और जो भी मूवमेंट है खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही उसमें सफलता प्राप्त होगी। सर, आरोपी का कुछ फुटेज आया क्या? सर, आरोपी का भी कोई फुटेज नहीं है। क्या आरोपी का कुछ शिनाख्त नहीं हुई? आरोपी की शिनाख्त नहीं हुई है। एक संदेह जरूर उन्होंने व्यक्त किया है कि 2-3 दिन पहले उनकी 6 तारीख को उनकी कोई विवाद हुआ था, तो वो व्यक्ति हो सकता है उसकी तलाश कर रहे हैं, वो अभी मिला नहीं है। चूँकि वो व्यक्ति भी अज्ञात है, उसको भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इस घटना में पंप संचालक का कहना है कि उसका किसी से पहले विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल के साथ ही CCTV फुटेज खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।